गुरु प्यारियो, गुरु सवारियो, स्वागत है जी तुहाडा मेरा सतगुरु नानक चैनल दे उपर। जिहड़े वीर भैण नवें आए ने, कृपा करके तुहानू बेनती है मेरा सतगुरु नानक चैनल सबसक्राइब कर लवो और बैल आइकन नू जरूर प्रेस कर लियो, तां जो साडे वलों दित्ती गई भरपूर जानकारी तुहाडे तक सही शब्द सही मायने विच पहुँच सके। लाइक कमेंट करके हौसला अफजाई जरूर करिया करो, क्योंकि गुरु नानक साहब ने जो लहर जो मिशन शुरू कीता सी ओ साडा मुख मकसद है कि हर तक हर किसी तक वो चीज़ जिहड़ी सही शब्दां दे विच असीं पहुँचाइए। और गुरु प्यारियो, अज दा जिहड़ा विशा है वो है आउण वाला समा किन्ना भयानक होवेगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने बकायदा उहदा तिहारत कीता है और बाबा नंद सिंह जी ने जो अपने जीवन विच घटना उहनां दे होई, जो उहनां ने वचन कीते, उहदी बाबत आपां जिहड़ी सांझ पाउणी है। और प्यारियो, इदों भयानक समा होर की होवेगा जो अज आपां वेख रहे हाँ कि राजे महापुरखां ने वचन कीते सन कि राजे जिहड़े ने अपने धर्म दे उपर पक्के नहीं रहणगे और खाण पीण वालियां जिहड़ियां वस्तुआं ने उन्हां विच मिलावट होनी शुरू हो जाएगी। हर कोई बंदा दीन ईमान तो थिड़क जाएगा ते धरती जिहड़ी है वह विच नूं धसनी शुरू हो जाएगी। और तुसां सारयां ने यह गल बखूबी पढ़ी होनी, वेख्या होना, पिछले कुछ समय दौरान चाइना दे विच एक जिहड़ा शहर सी वह धरती विच ही धस गया सी। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भी इस चीज़ का बिल्कुल साफ जिहा उतारा करके ते गुर प्रताप सूरज ग्रंथ विच गुरु नानक साहब दे प्रगट होण तो पहलां दा जिहड़ा समा है उहदे विच उहनां जिक्र कीता है। और प्यारियो, जदों बिल्कुल धरती दी पुकार सी, फिर गुरु नानक साहब नूं इस धरती ते आउणा पिया। कुछ धरती दे पुठे होए लोकां नूं जिन्हां दी मत मुद्दी हो चुकी सी, उहनां लोकां नूं मेरे गुरु नानक साहब ने सही मार्ग दिखाया। और प्यारियो, उस तों बाद मेरे गुरु नानक साहब ने अनेकां लोकां नूं सही मार्ग ते पाया, भुल्ले भटके लोकां नूं गुरु दा मार्ग विखलाया है। और जिहड़ी बेनती कर रहे सी कि समा किन्ना भयानक होवेगा अगे, इस तों बाद दा जिहड़ा होर समा है जिथे आपां बैठे हाँ, इस तों बाद दा समा जिहड़ा वो किन्ना भयानक होवेगा। उत्थे धर्मी नहीं कोई, उत्थे सिर्फ अधर्म ही होवेगा। धर्म की सोच रखण वाले जिहड़े लोग ने बड़े घट होणगे और अधर्मी बड़े होणगे। अज भी आपां वेखदे हां कि धर्म की सोच रखण वाला बंदा बड़ा घट है, पर प्यारियो उस विच अधर्मी लोग ज़्यादा ने। जिहड़ा बंदा कोई सही कार्य कर रहा है उहदियां लत्तां खिच्चण वाले बड़े ने, पर जो कम मंदा कर रहा है उहनूं साथ देण वाले उठ के हज़ारां खलो जांदे ने, कह दिंदे ने चलो कोई गल नहीं असीं तेरे नाल हाँ। जे कोई लोड़वंद की सहायता मदद करता है उहनूं भी लोग कह दिंदे ने नहीं नहीं इह कोई बंदा है, उहदे पिछले औगुण फरोलने शुरू कर दिंदे ने। जे उह सही कम कर रहा उहदी शलांघा नहीं हुंदी। ਇਹ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਹੀ ਮੈਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੀੜਿਤ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਿੰਬੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਉਦਿਆਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
हुण जरा गौर फरमायो, तवज्जो बख्शिश करियो। बाबा आनंद सिंह जी महापुरश, उन्हां दा जिहड़ा जीवन सी बहुत ही उच्चा सुच्चा ते बाणी पढ़न वाला और मोह माया पदार्थां तो उच्चा किते सोचण वाला जीवन सी। खैर जिहड़ी बेनती आपां करिए कि बाबा जी जदों पुच्चों गुरदेव पातशाह कोल जांदे, उत्थे उन्हां दे जाण तो पहलां ही सेवादारां नूं ओह कह दिंदे कि भाई आ जिहड़ा सारा तुसीं वेख रहे हो चंगी तरह सजा दिओ, क्योंकि अज बाबा आनंद सिंह जी ने इत्थे आउणा है। बाबा हरनाम सिंह जी पुच्चों वाले ओह गुरदेव उन्हां नूं संगतां सवाल कर दिंदियां सी कि महापुरखो, असीं तुहाडे कोले नित रहना है ते बाबा आनंद सिंह जी दे आउण ते तुसीं बड़ी खुशी जाहर करदे हो, पर असीं तुहाडे कोल रहिंदे आ, कदे साडे लई वी इह जिहा प्यार उत्पन्न करो। ते महापुरख रिखी जी उन्हां नूं कहिंदे कि भाई तुसीं तां इत्थे सदा रहिंदे हो, तुहाडा वी उन्ना ही सत्कार है, पर जो ओह रूह है ना बाबा आनंद सिंह जी, उन्हां कदे कदे आउणा ते कदे कदे रब दे मिलाप दे बचन बिलास हुंदे ने। उन्हां दे बचन पढ़ के ना, उन्हां दे मन दी दशा नूं जाण के बाबा हरनाम सिंह जी उन्हां नूं ओहे जे सवाल जिहड़े सी ना, सवालां दे जवाब बना के उन्हां अगे पेश कर दिया करदे सन। बाबा हरनाम सिंह जी उन्हां नूं समझाउंदे कि बाबा आनंद सिंह जी तां जुगां जुगां तो साडे नाल ही चलदे आ रहे ने, तुसीं ते कुछ कु वरियां दे नाल जुड़े हो, पर बाबा आनंद सिंह जी दा साथ बड़े लंबे समय तो साडे नाल चलदा आ रहा है। प्यारिओ, इस चीज़ दा शंका मन विच कदे ना बनायो। खैर रहो विचार, एक दिन अजिहा आया कि बाबा आनंद सिंह जी पुच्चों वाले महापुरखां कोल चले गए। दो कु दिन उत्थे रहे, परमात्मा दी वंदगी करना कीती और कुछ संगतां भी आईया, वचन बिलास हो रहे सन। तीसरे दिन बाबा हरनाम सिंह जी संगत विच बैठे ते बाबा आनंद सिंह जी भी सजे हुए ने, ते पुच्चों वाले कहन लगे केंदे असी हुण ये पंज भूतक जिहड़ा चोला है वह त्याग देना है। संगत बड़ी वैराग करन लगी ते उन्हां समझाया कि वैराग नहीं, जो संसार विच आया है, जगत विच जिसका जन्म होया है, उन्हें एक ना एक दिन जाना जरूर है। तुसी वैराग ना करो, परमात्मा का शुकराना करो, उस परमात्मा की वस्तु है, उन्हें लै जानी है। बारी को ही दीवा जगेगा, बस ये चीज़ तुसी याद रखनी है। उन्हें नू बाबा आनंद सिंह जी नू भी आग्या दे दित्ती गई ते बाबा आनंद सिंह जी भी गड्डी च बैठ के जान लगे। जगराओं नानक सर वल उन्हां चाले पाए। हुण जिहड़े नाल सेवादार सी, जदों नानक सर जगरावां वल नू तुरे, गड्डी विच बैठे संगतां नाल जा रहियां ने, जिहड़े सेवादार ने मन विच फुरना बणिया कि पुच्चों वालिआं ने बचन कीते ने कि बारी को ही दीवा जगेगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी। मन विच शंके वड़े ने, पर बाबा आनंद सिंह जी नूं पुछना चाहुंदे ने, पर आखिर हिम्मत किसे दी नहीं पैंदी, क्योंकि बाबा जी का प्रताप ही इन्ना है। तुहाडा अपना एक विश्वास रहना, कदे यकीन करके देखियो, जिहड़ा बंदा गुरबाणी पढ़ता होएगा, गुरदेव दे उपर भरोसा करता होएगा, तो प्यारिओ वो बंदे का प्रताप ही इन्ना होएगा कि उहदे मुख वल वेख के अपने अंदर जो गल पुछण दी चाहत है वह मिट जाएगी। आपां घबराहट विच आ जावांगे, वह गल पुछण ते आपां नूं कंबणी जी छिड़ जाएगी, वह गल पुछदे पुछदे विच ही रह जावांगे, अपनी हिम्मत नहीं पैंदी वी आपां गल कर लईए। खैर पुछना चाहुंदे ने, पर गुरदेव दे अगे बाबा आनंद सिंह जी का मुख तक के किसी की हिम्मत नहीं पैंदी कि असी पुछ सकीए कि सच्ची मुची बारी को ही दीवा जगेगा कि सचमुच दुनिया खत्म हो जाएगी।
कोई बचेगा नहीं, सारी दुनिया धस जाएगी। बाबा आनंद सिंह जी भी जान चुके ने भी असल एक की पुछना चाहते ने, उन्हां दे मन की अवस्था पढ़ ली। तो बाबा जी ने बिलासपुर वालों गड्डी मुड़वा ली और भाई भगतू विखे एक नगर विच जाके ड्राइवर नू गड्डी रोकण दा हुक्म कीता। तो बाबा आनंद सिंह जी उस थां ते पहुँचे ने, उस नगर विच जाके उतरे। तो प्यारिओ उन्हां समयां विच गड्डियां आम नहीं सी हुंदियां ते लोकां नू पता नहीं सी ज़्यादा, उन्हां नू लग्या कि शायद जा कोई राजा है और जा कोई सरकारी महकमे वाला बंदा है कि गड्डी विच आए ने। और जिन्ना संगतां ने प्यारियां ने बाबा जी नू वेख्या सी जानदे सी ओ अगे हो के नमस्कार करन लगे। बाबा जी नू अदब नाल बिठाया, सत्कार दिता, बनदा सत्कार जिन्ना सी ओ तों किते वध सत्कार दिता ते बिठाया। ते बाबा जी ने हुक्म कीता कि भाई जल छका दिओ। सो जल्दी नाल ओ जल लेके आए और बाबा जी कहन लगे कि भाई दो कु बुरकियां प्रशादा जे छका दिओ ता बड़ी चंगी गल होएगी, पहला दो कु बुरकियां प्रशादा छकांगे ताकि काल जी नू पानी ना लगे। आखिर बाबा जी पहले घट प्रशादा छकदे सन और वो कहिंदे भी तुसी बैठो महापुरखो, इत्थे आराम करो, बस कुछ कु चंद कु सैकेंड दिओ, असी भोजन प्रशादा हुणे तैयार करदे आ, तुसी आराम नाल बह के छकियो ते असी भी तुहाडी सेवा करांगे। ते बाबा आनंद सिंह जी बचन करन लगे, कहिंदे नहीं समा बड़ा घट है, असी भी काली नाल जाना है, तुसी प्रशादा लैके आओ। वो कहिंदे बाबा जी असी घर विचों पता करदे आ, पिंड विचों लिया के दिंदे आ। वो कहिंदे नहीं सांझे पिंड दे दो प्रशादे चाहिए ने। वो कहिंदे चलो ठीक है। वो गुरद्वारा साहब गए, हुण सांझे पिंड दे दो प्रशादे तो गुरद्वारे विच ही मिल सकते सी। जदों गुरद्वारा साहब गए, गुरद्वारा साहब ताला लग्या सी, दसण दे पता लग्या कि ग्रंथी सिंह नाल दे पिंड किसे कारज करके गया है। सो वो वापस आए ते कहन लगे कि गुरद्वारे ते ताला लग्या है। ते बाबा आनंद सिंह जी कहन लगे चलो कोई गल नहीं, मालक भली करे ते फिर कदे छकांगे। इन्ना आख के बाबा आनंद सिंह जी गड्डी विच बैठन लगे। एक संगत विचों उस नगर दा रहन वाला व्यक्ति दोवें हथ जोड़ के बाबा जी दे चरणा पै गया, कहिंदा महापुरखो तुहानू इत्थों जान नहीं देना, हसदे वसदे भरे भुरे पिंड दे विचों तुसी भुखे चले जाओ, ये ते बड़ी शर्म दी गल है, असी तुहानू इदां नहीं जान देना। ते बाबा आनंद सिंह जी कहिंदे चलो ठीक है भाई, जे तुसी इन्ना ही करदे हो जा जो तेरे घर विच है छकण दे लई ओह तू लै के आ। काली नाल दौड़िया गया, अपने घर विच गया, दो बाजरे दे बने हुए प्रशादे पहलां दे ओह चुक के लियाया, जिहड़े पहलां दे तैयार किए हुए सन, दो बाजरे दे प्रशादे लै के बाबा आनंद सिंह जी पास पहुँचिया। बड़े प्यार दे नाल सत्कार दे नाल बाबा जी ने दो को बुरकियां प्रशादा छकिया और कुछ को जल भी छकिया ते आशीर्वाद दे के गड्डी विच बैठ के संगतां दे दीदारे करदे हुए बाबा जी ने ड्राइवर नू गड्डी अगे तोरन दा हुक्म दिता। ते प्यारियो बड़ी वड्डी गल है कि सिर्फ दो को बुरकी प्रशादा छकिया, क्योंकि जिहड़े संत महापुरख हुंदे ना उन्हां दीआं गल्लां विच वी रहस हुंदे ने, जिहड़े प्यारे गुरु के प्यारे बन जांदे ने। खैर अगले पिंड जदों जाके पहुँचे, अगले नगर विच जदों जाके पहुँचे ते सेवादार कहण लगे महापुरखो इस पिंड विच दो इतिहासिक गुरद्वारा साहिब ने, आपां जांदे जांदे दर्शन कर चलीए जे तुहाडा हुक्म होवे। ते बाबा जी कहिंदे चलो ठीक है भाई, दर्शन कर लैंदे हाँ। उस पिंड विच जाके पहुँचे, बाबा जी गड्डी विचों उतरे, संगत इकट्ठी हो गई।
महापुरखां दे दर्शन कीते, उन्हां नूं बिठाया, सेवा कीती। कहिंदे महापुरखो कोई सेवा दसो की कर सकदे हां। ते बाबा जी कहण लगे, भाई दो प्रशादे छका दिओ जो कि सांझे पिंड दे होण, जो कि वधिया तरीके नाल संगत दा प्यार उन्हां विच होवे, ते सांझे तरीके नाल सांझे पिंड दे दो प्रशादे छका दिओ, बस होर कुछ नहीं चाहीदा। प्यारिओ, संगत विच्चों कुछ कु सेवादार गुरद्वारा साहिब गए, उत्थे भी जिंदरा वजिया सी। दूसरे गुरद्वारे गए, उत्थे भी जिंदरा वजिया सी। सारी दी सारी गलबात आके जदों महापुरखां नूं दसी कि बाबा जी गुरद्वारा साहिब ते जिंदरा वजिया सी, ते उन्हां सारी गलबात आके दसी कि गुरद्वारे दे ग्रंथी अपने कम कारां दे लई किते बाहर गए ने, इस करके गुरद्वारा साहिब ते जिंदरे वजे हन। सारी गल सुनन तों बाद बाबा जी ने अपने जिहड़े सेवादार सी ना, जिन्हां दे मन विच तरह तरह के फुरने सन, उन्हां नूं तकिया ते कहण लगे, कुछ समझ आई प्यारिओ? जो भुच्चों वालिआं ने बचन कीते सी ना, बारह कोही दीवा जगेगा, वह बचन याद करो। दुनिया खत्म नहीं हो जानी, दुनिया इस तरह रहेगी, बारह कोही दीवा जगेगा, भाव कि धर्म का प्रचार बहुत घट जाएगा। धर्म रूपी जो दीवा है वह बारह कोही जगना करेगा, धर्म का काल पै जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश करके गुरुद्वारे दे ग्रंथी अपने कम्मां कारां विच उलझे हन, जदके चाहिदा है गुरुद्वारे दे ग्रंथी दा भाई जी दा फर्ज है कि ओह वध तो वध गुरु की संगत इकट्ठी करे, गुरु नाल उन्हां नूं जोड़े, गुरु के बचन विलास जिहड़े ने सुनाए। पर इस तों विपरीत ये सब कुछ जिहड़ा चल रहा है। सो गुरमुखो, ऐ प्यारिओ, बारी कोही तां हुणे दीवा जग रहा है। ये कहिंदे तुसीं चंगी तरह समझ लवो, इहो जिहा समां आउण वाला है, लोकी खाण पिछे एक दिन विच कई कई धर्मां दी बनावटी परत लै लिया करनगे, भाव कि लोक धर्म दे नां ते लड़ाइयां करनगे, दंगे करनगे, एक दूजे नूं धर्म प्रतीत करवाउणगे, आप भी धर्म बदली करिया करनगे। आपां शुरुआत विच भी बेनती कीती सी ना कि धर्म घट जाएगा, पाप दा जिहड़ा वल है ना वह बड़ा वध जाएगा, पाप दे बड़े पसारे हो जाणगे। जो गुरु नानक दे शब्द नाल जुड़े रहणगे, गुरबाणी नाल जुड़े रहणगे, वह बच जाणगे, बाकियां नूं कलयुग रोड़ के लै जाएगा, दुफाड़ कर देगा। ये कलयुग सारिआं दे उपर भारू पै के इन्हां लोकां दी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, उन्हां लोकां दा दुनिया ते कोई नां थे भी नहीं रहेगा, एहो जिहा समां बन जाणा है। धर्म बड़ा घट अज हो गया, आपां वेखदे आ ना अधर्म ज़्यादा वध गया। सो गुरमुखो, बेनती इहो करदा हुन्ना कि धर्मी बंदिआं दी संगत करना भी धर्म है, अधर्मी बंदिआं दा साथ करना ही अपने आप नूं अधर्म विच धकेलना है। ये गल दा वाखूबी तुसी ज्ञान रखना है, और इन्नियां कु बेनतियां प्रवान करनियां जी। मेरा सतगुरु नानक चैनल तुसी सबसक्राइब कर लेना, अग्गे भी ये सेवा निभाउणी, और लाइक कमेंट करके अपना प्यार बख्शिश करना, हाजरी जरूर लवाउणी, और बैल आइकन नूं जरूर प्रेस कर लियो। इन्नियां कु बेनतियां प्रवान, तुहाडियां सारियां दियां मुरादां पूरियां होण, गुरु साहिब तुहाडे ते मेहर भरिया हथ रखण। बुलाओ फतेह, पाओ फतेह जी, आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।